दर्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 15 मई 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मई के करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपको बीपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम में काम आते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बिहारी खांडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज ठाकुर, सोनू सूद, मनोज वाजपेयी और पवन सिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंकज ठाकुर। पंकज ठाकुर जो है ये एक एक्टर है, बिहार से ही रिलेटेड है और इन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। और तो इन्हें जो है बिहार खादी का, जो बिहार में जो खादी बनती है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं पर अगर सात जगह पर फंसे हुए जो मजदूर थे उन्हें जो है उनके लिए बस की व्यवस्था सुनने उन्हें जो है अपने घर कर्नाटक भिजवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, पहले हम बिहार की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि बिहार जो है 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए जो है 22 मार्च को हर एक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये रेड कलर का इंडिया के मैप पे, राजधानी इसकी पटना है, सीएम का नाम नीतीश कुमार है और राज्यपाल का नाम फागू चौहान है। अच्छा, बिहार में अगर लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की बात करें तो कितने लोकसभा और कितने राज्यसभा हैं? तो बिहार में जो है लोकसभा की जो सीट है वो 40 है और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और आरामबूर वुड कर्विंग्स को जीआई टैग मिला है? तो हमारे ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो ये तंजावुर नेटिव बॉक्स और आरामबूर वुड कर्विंग से उसको जो है क्या मिला है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग हो जाती है और उसकी प्राइस भी अपसेल हो जाती है, मतलब प्राइस को जो है बढ़ा सकते हो, वहाँ पे प्राइस भी बढ़ जाती है अच्छे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने के बाद जो है उसकी बहुत पूरी दुनिया में, क्योंकि इसको जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जीआई टैग देता है और ये जो है 10 साल के लिए मान्य होता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट को WTO मान्यता दे रहा है तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है तो उसके प्राइस में भी वृद्धि होती है। उसे क्या होता है कि जो भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक जिससे जो लोग तंजावुर नेटिव वर्क्स में काम करें या आरामबूर वुड कर्विंग्स वो बना रहे हैं, तो उनके जो है लिवलीहुड का भी जो लेवल है वो बढ़ता है। तमिलनाडु के प्रोडक्ट को ये मिला है किसके द्वारा? तो WTO द्वारा। अगर बात करें हम तो अभी जो GI टैग मिला है हाल में, तो मणिपुर के काले चावल को, कश्मीर के केसर को, लखनऊ के टेराकोटा को, तमिलनाडु के ही कदली मिठाई को और झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जो है GI टैग, इन सबको GI टैग मिला हुआ है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, राजधानी इसकी चेन्नई है। चेन्नई को पहले मद्रास भी बुलाया जाता था। CM का नाम मरमारीलाल पुरोहित है और राज्यपाल का नाम यहाँ पे सीएम का नाम है ईके पलानीस्वामी और राज्यपाल का नाम है क्या है, बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु का आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, ये रेड कलर में सबसे मतलब हमारे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में अगर लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट वहाँ पे 39 है और राज्यसभा सीट जो वहाँ पे 18 है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए किस राज्य ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने जो है युवा को जो है रोजगार या स्वरोजगार के अवसर देने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप का मतलब क्या होता है? तो एच फॉर हेल्पिंग, ओ फॉर आउट, पी फॉर पीपल और एवरीवेयर। तो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये जो है होप पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है और इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी जो राज्य के युवा है उनको जो है रोजगार और या उनको स्वरोजगार के खुद अवसर मिलेंगे, उनको दिए जाएंगे ताकि वो जो है खुद अपना लिवलीहुड अर्न कर सके। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये जो है उत्तराखंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी पिक्चर गलत है, यहाँ पे तमिलनाडु का ही उत्तराखंड यहाँ पे आप पिक्चर में है। ये उत्तर प्रदेश से जो है 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। राजधानी इसका देहरादून है, सीएम का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। वहीं पर लोकसभा की सीट जो है अगर बात करें तो 5 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 3 है। किस राज्य की पुलिस ने पालतू जानवरों को छोड़ने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है? तो हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और असम। सही ऑप्शन है असम।
असम की पुलिस ने जो है लोगों को कहा है कि अगर आप अपने पालतू जानवर को COVID-19 के कारण अगर बाहर छोड़ देते हैं, भूखा छोड़ देते हैं, तो उस जानवर के मालिक के ऊपर कार्रवाई होगी। और उसके साथ साथ वो भी जो दुकानदार हैं जिन्होंने अपने क्या किया, दुकान में जो है जानवरों को बंद करके छोड़ा हुआ है भूखे, तो उनके ऊपर भी अगर वो पकड़े जाते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये असम की पुलिस ने ऐसी चेतावनी दी है। अगर बात करें असम की, तो असम ने जो है अभी हाल ही में जो है जो असम में जो सबसे फेमस अंबुबाची मेला लगता था, ये मेला जो है गुवाहाटी के जो है कामाख्या मंदिर में लगता था, तो इसको रद्द कर दिया गया है COVID-19 के लिए। असम यहाँ पे आप रेड कलर में देख सकते हैं ये मैप में। गठन इसे 26 जनवरी 1950 को हुआ था, राजधानी इसके दिसपुर है। CM का नाम सर्वानंद सोनोवाल है और राज्यपाल का नाम प्रोफेसर जगदीश मुखी है। अच्छा, असम में अगर लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर 14 है और राज्यसभा सीट 7 है। किस संस्था ने श्वसन सहायता यंत्र सुंदरम वेंटेगो बनाया है? IIT मद्रास, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और TBS ग्रुप, और इनमें से सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये जो IIT मद्रास, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और TBS ग्रुप, इन तीनों ने मिलकर जो है एक श्वसन सहायता यंत्र, मतलब रिस्पायरी असिस्ट बोलते हैं, मतलब लोगों को जो है श्वसन से संबंधित, मतलब श्वास लेने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक यंत्र बनाया है जिसका नाम है सुंदरम वेंटेगो। और इसको जो है इन तीनों ग्रुप ने, IIT मद्रास, सुंदरम मेडिकल और TBS ग्रुप ने मिलकर डेवलप किया है। किस संस्था ने भारत बांग्लादेश के बीच हुई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो अभी COVID-19 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन दोनों देशों ने जो है COVID-19 से कैसे फाइट करना है, उसके अलावा अपने बिजनेस को जो है कैसे हैंडल करना है, इस दौरान हमें क्या एक्सपोर्ट क्या इम्पोर्ट करना है, तो उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसको किसने आयोजित किया था? SOCHM, FICCI, NASSCOM और SEBI। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, SOCHM। कभी इसको SOCHM भी बोलते हैं, कभी SOCHM भी बोलते हैं। तो SOCHM की बात करें तो SOCHM इंडिया, इसका लोगो आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो है मेनली बिजनेस से रिलेटेड है और चेयरमैन का नाम बालकृष्णन गोयनका है, 2018 से इसका चेयरमैन है। और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और इसका स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी, मतलब ये लगभग जो है 100 साल पुराना ये जो है बॉडी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? 90,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ और 50,000 करोड़। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 90,000 करोड़। जो अभी आपने देखा था कि 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था, वहाँ पे उन्होंने लोगों से अपील किया था कि हमें जो है स्वदेशी खरीदना है और आत्मनिर्भर बनना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है हर एक चीज़ में। तो उसके तहत उन्होंने जो है 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, उसमें से जो है 90,000 करोड़ जो है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्स के लिए दिए गए हैं, कि जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्स है, लाइक जहाँ से बिजली हमें मिलती है, तो उन्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, लाइक बिजली का बिल उन्हें नहीं मिल रहा है अभी क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, या बहुत सारे जगह पे उन्होंने अपने कर्मचारियों को नहीं निकाले नहीं, तो उसके लिए जो है उन्हें 90,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से मरने वाले पहले सुमो रेसलर कौन है? सोबोशी, हेतल दबे, असस होरियो और हमरू फुजी कोही। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोबोशी। सोबोशी जो है एक जापानी फाइटर है जापानी जो फाइटर थे वो सुमो फाइटर थे, और ये मात्र 28 साल के थे, और इनकी जो है 10 अप्रैल को इन्हें संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और इन्हें इनकी जो है हाल ही में मृत्यु हो गई है। और आप जानेंगे सुमो रेसलिंग क्या होता है, तो सुमो रेसलिंग जो है जापान का जो है राष्ट्रीय खेल भी है जापान का, और ये जो है जापान का बहुत ही फेमस खेल है, लगभग जो है 1500 साल पुराना इस खेल को माना जाता है, कम से कम 1500 साल पुराना ये खेल है, और जापान में ये खेल बहुत ही फेमस है, और इसमें लोग जो है रेसलिंग करते हैं, उसको सुमो रेसलिंग बोलते हैं, लोग इसमें बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और इनका अलग ही तरीका होता है लड़ने का। तो इसके जो एक रेसलर थे सोबोशी, इनका जो है निधन हो गया है, किससे? कोरोना वायरस से, और कोरोना वायरस से मरने वाले ये पहले रेसलर है। किस राज्य ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू किया है। इसमें कहा कि जैसे आपको डॉक्टर के पास जाना है तो क्या करना है कि आपको इस www.esanjeevniopd पे जाके आपको अप्लाई करना है, और वहां से अप्लाई करने के बाद आपको ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप जो है वीडियो कॉल के थ्रू क्या कर सकते हैं आप कि डॉक्टर से वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं उस टाइम में, गिवन टाइम में। तो इसके लिए जो है ई संजीवनी OPD ऑनलाइन शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा।
अगर मध्य प्रदेश की बात करते हो, मध्य प्रदेश की कुछ योजना जैसे जीवन अमृत हो जाए, इसमें उन्होंने काढ़ा बांटा था पूरे राज्य में उन्होंने अपने पूरे नागरिकों के बीच, जिससे कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद CM COVID-19 योद्धा कल्याण योजना इन्होंने लॉन्च किया था, जिसके तहत ये था कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी अगर किसी की डेथ होती है तो उसको 50 लाख रुपये दिए जाएंगे उसकी फैमिली को। उसके बाद उन्होंने संबल योजना को फिर से रिलॉन्च किया था, जिसमें जो भी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स का जो है पढ़ाई का खर्चा जो है राज्य उठाएगी। उसके अलावा FIR आपके द्वारा, मतलब आपको FIR करने के लिए आपको जाना नहीं है, बस 100 डायल करना है और वहाँ से अपने FIR का रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये भी जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर का नाम लालजी टंडन है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है तो 29 है और राज्यसभा की सीट 11 है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? अमेरिका, इटली, भारत और चीन। सॉरी यहाँ पे गलती हुई, चीन सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इटली। इटली ने जो है, इटली की जो एक ब्रेसलेट विकसित किया जिसका नाम है आई फील यू। इस ब्रेसलेट में क्या है कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर 37.5 मतलब जो हमारा इतना बॉडी टेम्परेचर रहना चाहिए, इससे अगर ऊपर जाता है तो ये आपको एक अलार्म भेजेगा, ये आपको एक मैसेज करेगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे आपको अब जाकर जाँच कराना है। क्योंकि आपने देखा है हाल में कि इटली में जो है बहुत ही ज़्यादा मौतें हुई हैं। एक टाइम था जब इटली जो है कोरोना वायरस से मौतों के नंबर में दुनिया में नंबर 1 था, अभी तो अमेरिका है। तो इटली ने जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया है। और अगर आप जो है दो लोग अगर मान लेते हैं, एक पर्सन और दोनों पर्सन अगर नज़दीक आते हैं, मतलब एक गिवन डिस्टेंस से ज़्यादा नज़दीक आते हैं आप, तो वहाँ पे भी आपको अलार्म मिलेगा कि आप जो है ये एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ गए, तो आपको डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है। उसके बाद इसको डेवलप किसने किया? तो इसको IIT ने, IIT मतलब हमारे यहाँ का नहीं, ये IIT है इंस्टीट्यूट ऑफ इटालियनो टेक्नोलॉजी का, ये जो है इटली का है इंस्टीट्यूट ऑफ इटालियन टेक्नोलॉजी, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में आप, ये इटालियन में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इटालियनो टेक्नोलॉजी, ये जो है इटली में लिखा हुआ है, आप इंस्टीट्यूट ऑफ इटालियन टेक्नोलॉजी इसको बोल सकते हैं IIT। तो इसने इसको डेवलप किया है। अगर बात करें इटली की, तो इटली जो है एक यूरोपियन कंट्री है, आप यहाँ पे ग्रीन कलर में देख सकते हैं आप। और प्रेसिडेंट का नाम सर्जियो मैटरेला है, ये हटा दीजिए। प्राइम मिनिस्टर जो है गुसेपे कोंटे है, कैपिटल इसका रोम है और करेंसी इसका यूरो है। क्योंकि ये इटली जो है यूरोपियन यूनियन है उसका सदस्य है, इसलिए इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। यूरोपियन जो भी देश जो EU के सदस्य हैं उनका सबका जो करेंसी है वो क्या है? यूरो है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।